साड़ी में लिपटी आयरिस केरल की पहली एआई टीचर है। इसकी लॉन्चिंग केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के केटीसीटी हायर सेकेंडरी स्कूल में की गई। आयरिस आवाज को टेक्स्ट में और टेक्स्ट को आवाज में बदलने की क्षमता के साथ जेनरेटिव एआई सिद्धांत पर काम करती है। ये 3 भाषाओं में काम कर सकती है और अनुरोध पर छात्रों से हाथ भी मिला सकती है। ये एआई बेस्ड ह्यूमनॉइड 4 पहियों पर चलता है, अपना सिर दोनों तरफ घुमाता है और अपने हाथों को भी हिला सकता है। आयरिस पर माइक्रोफोन को एक हार के रूप में रखा जाता है और यही बात करने के लिए एक स्पीकर का भी काम करता है। अगर क्लासरूम में शोर है तो एआई टीचर सवालों का जवाब नहीं दे सकती है, इसलिए ये टीचर क्लासरूम में बच्चों को अनुशासन भी सिखाएगी। ये पहल स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब का हिस्सा है। नेटवर्क कनेक्टिविटी में दिक्कत और बच्चों का शोर अक्सर आयरिस की परफॉर्मेंस को धीमा कर देता है, क्योंकि आयरिस रोबोट उस शोर को पकड़ने की कोशिश करती है ये मानकर कि ये उसके सवाल है। There lived a curious squirrel named Sammy who embarked on an adventure to find the lost treasure. केंद्र सरकार ने अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना के लिए इस निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल को 20 लाख रुपए का अनुदान दिया है। केटीसीटी हायर सेकेंडरी स्कूल हर बार राज्य युवा महोत्सव और राज्य स्कूल विज्ञान महोत्सव में शामिल होता है, जिससे उन्हें इस परियोजना को हासिल करने में मदद मिली।